उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने 21 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि पुलों और सड़कों के बनने से इलाके में विकास होता है। सुरेश कुमार खन्ना ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उनके एक बड़े नेता को पप्पू कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी का पप्पू विदेश में जाकर देश का अपमान करता है। इसके अलावा जितिन प्रसाद ने कहा कि गाँव में भी विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन ददरौल विधानसभा क्षेत्र के धनौरा इलाके में हुआ। यहां तीनों मंत्रियों ने 21 करोड़ 57 लाख रुपए की कीमत से तैयार होने वाले पुल का शिलान्यास किया। गर्रा नदी पर बनने वाले पुल से दो विधानसभाओं के बीच कई किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रदेश में बनने वाले पुलों और सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। विधानसभा क्षेत्र के बीच में जो पुल का शिलान्यास हुआ है वो इस पूरे क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने वाला है और खास तौर से निगोही क्षेत्र के लोग जिनकी तहसील तिलर पड़ती है, निगोही क्षेत्र के लोग जिनको बराबर इधर आना पड़ता है और इस क्षेत्र के लोगों को जो निगोही जाना पड़ता है या शहर जाना पड़ता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है ये पुल। 21 करोड़ 57 लाख की लागत से ये पुल स्वीकृत हुआ है। 400 मीटर का इसका स्पान है और 2800 मीटर दोनों तरफ अप्रोच रोड है। ये पुल जैसा कि अभी आपके सामने सेतु निगम के लोगों ने बताया कि एक साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन हमारा आग्रह है कि जिस प्रकार से अजीजगंज और ककरे के बीच में वो जोड़ने वाला पुल बना था मात्र 9 महीने में, और वो भी उसकी भी लंबाई लगभग इतनी बड़ी थी, वो पुल 9 महीने में तैयार हुआ। 5 अप्रैल 2021 को उसका शिलान्यास हुआ था और 6 जनवरी 2022 को उसका लोकार्पण हुआ। मैं समझता हूँ कि लगभग उतनी लंबाई का ये पुल है, अगर ये लोग हिम्मत करेंगे तो हम इसको और अधिक कम समय में बनवाने में सफल होंगे। जितिन प्रसाद जी ने खास तौर से इस बात पर जोर दिया है कि किसी प्रकार से क्वालिटी से समझौता नहीं होना चाहिए। हमारा भी आग्रह यही है, क्योंकि पुल रोज रोज नहीं बनते और किसी प्रकार से ऐसी कोई स्थिति न हो कि जो कहीं पर भी कोई कमजोरी हो, इसलिए क्वालिटी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और हर तरह से हम इस जनता को के लिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आज तोहफा है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं आप सहित, बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से साग गिरा रहे हैं जी? पप्पू किस तरह से साग गिरा रहे हैं? देखिए, जो भी भारत में पैदा हुआ उसको कम से कम ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे देश का सम्मान दुनिया में बना रहे। ये देश कभी विश्वगुरु कहलाता था। हमने चाणक्य ने इस देश को अर्थशास्त्र दिया, चरक ने इस देश को आयुर्वेद दिया, पांडनी ने इस देश को इस दुनिया को व्याकरण दी, दशमलव हमने दिया और जीरो से लेकर नौ तक के अंक हमने दिए दुनिया को। हमने हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दिया। हम विश्वगुरु के रूप में होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश में पैदा होने वाले ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के बड़े नेता होने का अपने आप को दावा करते हैं और विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की बदनामी करवाते हैं, किसी न किसी रूप में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं उनको लेना नहीं चाहता यहाँ पर, कि जो किसी भी तरीके से शोभायुक्त नहीं है, जो उनकी गरिमा को बढ़ाते नहीं है बल्कि घटाते हैं। संबोधन के दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कांग्रेस के एक बड़े नेता को पप्पू बताकर उन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पप्पू विदेश में जाकर देश का अपमान करता है, ऐसी पार्टियों को 2024 में करारी हार का सामना करना होगा। कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गांव की सड़कें भी विश्व स्तरीय मानक की होंगी। बिल्कुल, ये सेतु जहां जहां बनते हैं उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता है और आज शाहजहांपुर जनपद के ददरौल विधानसभा में मुझे यहाँ माननीय सुरेश खन्ना जी और माननीय जेपीएस राठौर जी के साथ यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के लिए एक सौगात, ये सेतु मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में
इस क्षेत्र के विकास में बहुत बढ़ोतरी, इस क्षेत्र में जो बाढ़ और जलभराव होता है उससे आवागमन ठप हो जाता है, उससे दूरी होगी। ये सरकार, लोक निर्माण विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि शहरों में तो विकास होगा ही, मगर हमारे ग्रामीण अंचलों तक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, सेतु भी और सड़कें भी। धन्यवाद।